गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड्स। हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फैटी एसिड्स के, तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है हमारा फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। क्या होता है कि फैट का रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराते हैं तो हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। फैटी एसिड्स विच अकर इन नेचुरल फैट्स यूजुअली कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग नो डबल बॉन्ड आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स हमारे दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचुरली नेचर से मिलते हैं, जैसे कि पीनट ऑयल हो गया और घी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, इनमें कार्बन का जो एटम होता है वो क्या होता है? इवन नंबर होता है। कार्बन इवन नंबर में होता है, जैसे 2, 4, 6 ऐसे इस तरीके से होता है, इवन नंबर्स में होता है। और क्या होता है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेनिंग वन और मोर डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन एटम के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, फिर फर्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में भी एनविस्केस्ड एज बेस्ड ऑन एसिटिक एसिड एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं? एसिटिक एसिड के बेस पे हम इनको एनविस्केट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एज द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज। जनरल फार्मूला CnH2n+1COOH। तो ये क्या है, जिसमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और इसमें हमारा जो एन होगा वो इवन नंबर होगा, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। अदर हायर मेम्ब्रेन ऑफ सीरीज आर नोन टू अकर पर्टिकुलरली इन वैक्सेस, ठीक है। तो और इससे जो हायर सीरीज है नंबर्स की वो वैक्सेस में होती है। ए फ्यू ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैव ऑल्सो बीन आइसोलेटेड बोथ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। और कुछ फैटी एसिड्स हमें दोनों प्लांट और एनिमल सोर्सेज से दोनों से मिलते हैं। अब कुछ ये एग्जांपल्स हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन बाय रीमन ऑर्गेनाइजेशन। कैसे होता है, ये सबसे ज़्यादा, सबसे मेन प्रोडक्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का, सॉरी इसका, फैटी एसिड्स का। और हमें ऑब्टेन कैसे होता है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है प्रोपेनोइक एसिड C2H5COOH, ये भी एंड प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का। फिर है ब्यूटायरिक C3H7COOH इन सर्टेन फैट्स इन स्मॉल अमाउंट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कुछ फैट्स में ही होता है, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा नहीं होता, और ये भी कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दीज मे बी फर्दर सब डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये कैसे डिवाइडेड होते हैं, अपने अनसैचुरेशन के बेस पे डिवाइड होते हैं। पहले होते हैं मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और थर्ड टाइप के होते हैं, मोनोसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और कुछ और अदर होते हैं बायोलॉजिकल मटीरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैचुरेटेड की। तो मोनोसैचुरेटेड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-1COOH। तो COOH इन सब में कॉमन रहेगा, क्योंकि एसिटिक ग्रुप इसमें फैटी एसिड्स में होता ही होता है, क्योंकि फैटी एसिड एसिड है और COOH का एसिड। तो हम इनको एनविस्केट कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फैटी एसिड है, एसिड है, तो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH। तो COOH इनमें सब में रहेगा, ठीक है। तो CnH2n-1COOH, इसमें एग्जाम्पल है हमारा ऑलिक एसिड फाउंड इन नियरली ऑल फैट्स। ये क्या होता है, जितने भी हमारे फैट्स हैं सब में मिलता है, अनसैचुरेटेड फैट्स में। इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैचुरेटेड एसिड। पॉली से ही समझ रहे हो आप, पॉली बहुत ज़्यादा। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ये भी 3 तरीके के होते हैं, 2 डबल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स और 4 डबल बॉन्ड्स। तो 2 डबल बॉन्ड्स जो होते हैं, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-3COOH। एग्जाम्पल क्या है इसका, लाइनोलिक एसिड। और इसमें एन क्या होता है हमारा, 2, 9, 12। और ये किस किस में मिलता है हमें, कॉर्न में मिलता है, पीनट में मिलता है, कॉटन सीड में मिलता है। नेक्स्ट है 3 डबल बॉन्ड, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-5COOH। एग्जांपल है लाइनोलेनिक एसिड। और इसमें एन क्या होता है हमारा, 3, 9, 12, 15। एग्जांपल है इसका लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल से मिलता है हमें 3 डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड पॉली एसिड।
फोर डबल बॉन्ड में क्या होता है, जनरल फार्मूला है इसका CnH2n-7C++, इसका एग्जांपल है अरेकिनोइक एसिड। एन क्या है यहाँ पे 4, 5, 8, 11, 14, फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज विद लाइनोलिक एंड लाइनोलिक एसिड बट पर्टिकुलरली इन पीनट ऑयल। ये अरेकिनोइड जो एसिड होता है ये बेसिकली हमें पीनट ऑयल में मिलता है। थर्ड जो है इसका होता है मैनी अदर फैटी एसिड्स हैव बीन डिटेक्टेड इन बायोलॉजिकल मटीरियल। बाकी जो होते हैं हमें ये फैटी एसिड्स वो हमें किससे मिलते हैं, जो हमारे बायोलॉजिक मटीरियल सोर्स हैं, जैसे कि हमारा फिश ऑयल हो गया, एनिमल्स का दूध हो गया, इन सबसे भी। फॉर एग्जांपल फिश ऑयल कंटेन 22.5 एंड 22.6 अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फैटी एसिड्स।